अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन मिस्टर शेर आपके साथ 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 है। आज हम आए हैं ग्राउंड में, जो ग्राउंड है अखवत नगर सोसाइटी का, जहां पे कंपटीशन हुआ था दो टीमों का। क्या नाम है टीमों का जरा बताइए, और जो जीता है वो भी बताइए। वर्सेस फरहान, पहली थी किंग वॉरियर, दूसरी थी बाबर एक्साई, बहुत ही न्यू पिंड की टीम। जबरदस्त। जो सोसाइटी की टीम है वो है किंग वॉरियर, उनका कप्तान मैं हूँ, ये सारी टीम मेरी खड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारी आपकी टीम है। माशाल्लाह जबरदस्त, कप्तान आप हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आप इसमें यानी के कंपटीशन में इस तरह के हिस्से लेते रहते हैं? मैं हिस्सा नहीं लेता, मैं करवाता ही खुद हूँ। अच्छा, यानी मैं रौनक करवाना चाहता हूँ, मैं हर चीज इस टूर्नामेंट को, हर चीज को इस ग्राउंड। अच्छा, ऑर्गेनाइज आप करते हैं? यू आर ऑर्गेनाइजर, आप ऑर्गेनाइजर हैं। सीनियर प्लेयर है। अच्छा, और ये भाई जो है, ये हमारा सीनियर चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, माशाल्लाह मोहल्ले के भाई है हमारे। अच्छा माशाल्लाह, यानी फ्यूचर में एमपी या एमएनए की सीट पे लड़ सकते हैं। अच्छा, तो किस को जितवाएंगे आप? यानी के आप आवाम के, अगर आप एमपीए बन जाते हैं तो शक्कर के लोगों को आप क्या सहूलियत देंगे? जो बेस्ट बैटिंग करेगा, जो बेस्ट बॉलिंग करेगा। नहीं, वैसे जो जनरल जो एमपीए बनता है तो वो क्या करता है? हमारी क्रिकेट चल रही है, असल में अमल क्रिकेट है, कोई भी जीत सकता है क्रिकेट भाई चांस। अच्छा, आप एमपीए के हिसाब से नहीं लड़ना चाहते, पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली, क्या है? और ये भाई क्या है? ये भी भाई हमारे सीनियर गेस्ट थे हमारे। अच्छा, वडेरा है? वडेरा सही है, पर भोतार में फुट का नारा भी लगा है, वो तो नहीं है? ये वो वाले भोतार है। अच्छा, ये वो भोतार नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो यानी ये जो टीम वगैरह जो सरंजाम देता है, जो कंपटीशन होते हैं, उस हवाले से वडेरा साई है। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से, यानी जनरल जो भोतार वगैरह वगैरह वो नहीं है, फैसले वगैरह नहीं करते आप? वैसे आपकी माशाल्लाह मूछें उस स्टाइल की है, उस टाइप की है। असल में सिंधी लोग हैं, सिंधी लोग होते ही ऐसे हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा रोब दबदबा होता है। अच्छा माशाल्लाह यार, आपको हार भी पहनाए गए हैं माशाल्लाह, और ये फोटो भी खींचे जा रहे हैं, और ये भाई खींच रहे हैं फोटो, तो इसके जो है फोटो आप कहाँ पे लगाएंगे, कौन से पेज पे, हमारी ऑडियंस को बताएं? ये हमारी फेसबुक पर पेज है हमारा, किंग वॉरियर के नाम से, मेरी अपनी टीम के नाम से पेज है, वारितड़ रोड में लगे वॉरियर्स, किंग वॉरियर्स। अच्छा, नहीं एक वारितड़ इलाका भी है ना, मैं उस वाले से समझ रहा था। जबरदस्त, तो इस तरह आप और हमारे जो नौजवान है, जो यूथ है, उसको और मैसेज क्या देंगे? एक चाइना की कहावत भी है कि जिस मुल्क के, जिस इलाके के, जिस शहर के वीरान होंगे ग्राउंड, वहाँ के हॉस्पिटल्स आबाद होंगे, और जहाँ के आबाद होंगे ग्राउंड्स, वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। इस हवाले से क्या बताएंगे? मेरा ये चाहता हूँ कि जो जो ग्राउंड खामोश है, छोटे प्लेयर हो या बड़े प्लेयर हो, वो मायने नहीं रखता, मेन चीज मायने रखते हैं कि क्रिकेटर हो, क्रिकेटर उन ग्राउंडों को आबाद करें, जैसे हम कराते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड को आबाद करते रहे, अपना नाम रोशन करते रहे, मेहनत करते रहे, हर चीज काम में हिस्सा है। पाकिस्तान हर जगह हारता है, इसकी वजह क्या है? जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी हारता रहता है अक्सर, तकरीबन 10-15 सालों से तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम हार रही है। जो पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करता है ना, मेरे लिए उनका मैसेज है कि उनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, हार जीत एक काम है क्रिकेट का, बराए मेहरबानी पाकिस्तान को ट्रोल करना बंद करें, क्रिकेट का वो बोलें जिनको पता हो, हार जीत काम है। देखो हमारे साथ जो फाइनल, सर एक देखिए मेरी बात, एक पॉइंट है सर, टीमें आएंगी तो जाहिर सी बात है एक हारेगी एक जीतेगी, ऐसे नहीं है कि दोनों ही जीत जाएंगी, एक हारेगी एक जीतेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन सर दूसरी बात यह है कि डहानी इतना अच्छा प्लेयर है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? डहानी इतना अच्छा प्लेयर है, देखिए जी मैं सीधी बात करता हूं, और दूसरा अच्छा के प्लेयर है। मोटा प्लेयर कौन सा है, नाम क्या उसको भी चलना भी नहीं है, वो आजम खान, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसमें जो है ओवर रिएक्ट ज्यादा है। अच्छा, एक्टिंग करता है, लेके पूरे ग्राउंड में घूमता है, ऐसे नहीं होता, मतलब यानी क्रिकेट खेले इंसान बस अपने लहजे में खेले, अपने रवैये से खेले, यानी कामयाबी की तरफ दौड़े, और यानी ओवर एक्टिंग ना करे, अपनी मेहनत करते रहे बस। थैंक यू। तो मिस्टर शर को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए किसी इलाके में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब मिस्टर शर। साथियों।